This story is brought to you by tapeatale.com. पता है जब मैं सड़क पर चल रही होती हूँ और मुझे कोई पैम्फलेट, ब्रोशर या किसी भी प्रकार का पेपर का पीस पकड़ाता है तो मैं हमेशा उनसे वो लेती हूँ। जानते हैं क्यों? क्योंकि 1.5 साल तक मैंने खड़े होकर यही नौकरी की थी। पता है जब किसी कॉल सेंटर से मुझे फोन आता है और कोई कुछ बेचने की कोशिश करता है, कुछ भी, क्रेडिट कार्ड, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह वगैरह, मैं उनकी बात तसल्ली से ज़रूर सुनती हूँ। जानते हैं क्यों? क्योंकि 3 साल मैंने भी यही नौकरी की थी। पता है जब कोई कहता है कि उसका सपना तो कुछ और है लेकिन वो नौकरी कर रहा है कुछ और, अपना घर चलाने के लिए, अपना जीवन साकार करने के लिए, या फिर जीवन के उस पड़ाव तक पहुंचने के लिए जिसमें वो अपना सपना पूरा करने की कोशिश तो कर सके, तो मैं इस बात को पूरी तरह समझती हूँ। जानते हैं क्यों? क्योंकि 30 साल तक मैंने भी यही किया है। लेकिन जैसे जरूरी है एक फूल का खिलना, जैसे जरूरी है दो प्रेमियों का मिलना, जैसे जरूरी है नाव का पानी में उतरना, जैसे जरूरी है एक पंछी के लिए अपनी पहली उड़ान भरना, मेरे लिए कलाकार बनना उतना ही जरूरी था। लेकिन उस जरूरत को मैंने 30 साल तक दबाए रखा, साइड में रख दिया, पार्क कर दिया, और उसका रिजल्ट क्या था? बेचैनी। बेचैनी ऐसी जैसे नदी को होती है सागर से मिलने के लिए, बेचैनी ऐसी जैसे बादल को होती है एक बार फिर बरसने के लिए, बेचैनी ऐसी कि प्यास लगे लेकिन पानी ना मिले, ऐसी बेचैनी कि दम घुटे लेकिन हवा ना मिले, ठीक वैसी बेचैनी। और 30 साल तक चली है ये बेचैनी। बेटा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? हमारे देश में ये सवाल सबसे ज़्यादा पॉपुलर है ना? और इसका जवाब भी पॉपुलर है। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ, मैं टीचर बनना चाहती हूँ। लेकिन जिस मोमेंट पे आप एक 90s की मिडिल क्लास इंडियन फैमिली को बोलो मैं आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ, या वर्स्ट ऑफ ऑल मैं हीरोइन बनना चाहती हूँ, उसी टाइम पेरेंट्स को दिल का दौरा पड़ जाता है। और मेरे परिवार वालों के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं एक फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग परिवार से थी और मुझे पता था कि ये कहना कि मैं एक आर्टिस्ट बनूंगी ऑप्शन ही नहीं थी मेरे पास। और उस समय तक हालात इतने ख़राब हो चुके थे कि ये भी नहीं बोल सकती थी कि मैं इंजीनियर बनूंगी या डॉक्टर बनूंगी, क्योंकि फीस कहाँ से आएगी। मेरी सबसे अर्ली जो चाइल्डहुड मेमोरी है वो ये है कि मैं डाइनिंग टेबल पर खड़े होकर लोगों को कविताएँ सुना रही होती थी। वहाँ मम्मी मटर पनीर बना रही हैं और यहाँ मैं शेक्सपियर और कबीर सुना रही हूँ। Literally, no joke. फिर 18 साल की उम्र में स्टेज को कहा बाय। 18 साल तक बहुत स्टेज किया था, थिएटर किया था स्कूल में, डिबेट्स की थी, एलोक्यूशंस की थी, लेकिन पता था कि एक प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं है, राइट? एक लॉजिकल ऑप्शन नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है। और मम्मी कहती थी अमीरों के चोचले हैं, तो हमने भी मम्मी का विश्वास कर लिया। तो स्टेज को कहा गुड बाय, अपनी कॉलिंग को कहा इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया कुछ देर बाद डायल कीजिए। और अपनी कॉलिंग को छोड़कर कॉल सेंटर में कॉलिंग की नौकरी शुरू कर दी। कॉल सेंटर्स हमारे देश में बेफालतू में बदनाम है। ओ, कॉल सेंटर में काम करते हूँ। 2000 के दशक में कॉल सेंटर्स ने कितने परिवार चलाए हैं, कितने बच्चे बड़े हुए हैं कॉल सेंटर्स के पैसों पर, इंक्लूडिंग माय ओन। I was the only breadwinner of my house and thanks to call centers कि मेरे पास नौकरी थी। तो ये सब चलता रहा लेकिन बेचैनी अभी भी बरकरार थी। English honors की पढ़ाई कर रही थी मैं और मम्मी ने कहा था कि पढ़ाई के बाद जो भी करना हो वो कर लेना, वो भी गलत। फिर मम्मी ने कहा अच्छा सुनो, शादी के बाद जो करना हो कर लेना, सबसे गलत। तो 21 साल की उम्र में शादी भी कर ली और कहा चलो अब शायद चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, लेकिन बेचैनी अब भी बरकरार थी। तो 2008 में मैं अपने एक्स हस्बैंड के साथ ऑस्ट्रेलिया चली गई
और सोचा कि अब तो NRI ड्रीम पूरी होगी, बेचैनी चली जाएगी, हम तो ऑस्ट्रेलिया में हैं, वाह। लेकिन बेचैनी अब भी बरकरार थी। वहाँ गई और वहाँ मैंने एक आई वॉज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट इन स्कूल, तो वहाँ एक के बाद एक डिग्रीज पूरी की, लिंग्विस्टिक्स की डिग्री पूरी की, बेचैनी बरकरार थी। मास्टर्स इन टीचिंग किया, बेचैनी बरकरार थी। मास्टर्स बाय रिसर्च हाफ वे थ्रू अ PhD कर लिया, लेकिन बेचैनी अब भी बरकरार थी। और उस दौरान स्टूडेंट वीज़ा पे थी तो ऑड जॉब्स भी करी काफ़ी सारी वहाँ पे, कभी रिटेल, कभी कुछ, कभी कुछ। और अपने आप को ये तसल्ली देती रही कि जब सब कुछ ये ख़त्म हो जाएगा ना, और जब तुम्हें तुम्हारी बड़ी नौकरी मिलेगी, पढ़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा और बेचैनी चली जाएगी। और कुछ साल में ऐसा हुआ, घर बन गया, गाड़ियाँ हो गई, शादी हो रखी थी, एक प्यारा सा पपी था। एडिलेड के सबसे बड़े स्कूल में इंग्लिश लैंग्वेज टीचर भी बन गई मैं, लेकिन बेचैनी अब भी बरकरार थी। और बेचैनी इस कदर से सर पर सवार थी कि अगर कोई मुझसे पूछता था कि प्रॉब्लम क्या है तुम्हें, मैं खुद नहीं जानती थी कि मैं कैसे बताऊं कि मुझे प्रॉब्लम क्या है। फिर ऑस्ट्रेलिया में एक टीवी शो किया और मैं बहुत फेमस हो गई, तो लगा बस यही तो चाहिए था जिंदगी में, मिल गया फेम। लेकिन बेचैनी तब भी बरकरार थी। यू नो, एक जर्नी होती है हर इंसान की। आप जाने जाते हैं कि आप कौन हैं, और एक दूसरी चीज़ होती है कि आप जाने जाते हैं इस बात से कि आप करते क्या हैं। लोग जानते थे कि मैं प्रिया मलिक हूँ, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि मैं क्या करती हूँ। और मेरे लिए वो जर्नी लेना बहुत ज़रूरी था। तो फेम तो मिल गया था, लोग जानने लगे थे कि प्रिया मलिक कौन है, लेकिन लोग उसको इस काम के लिए नहीं जानते थे कि वो एक कलाकार है। तो इस वजह से बेचैनी बरकरार थी। 2013 में रात को अराउंड 3:30 करीब मैंने एक स्पोकन वर्ड पोइट्री का वीडियो देखा। न्यूयॉर्क से बटन पोइट्री नाम का एक चैनल है और एक पोएट अपनी पोइट्री सुना रहे थे। और मैंने मन में सोचा, प्रिया तो 12 साल की उम्र से कविताएं लिख रही है, बेचैनी इतनी ज़्यादा बरकरार है, तो तू ये क्यों नहीं करती, यू कैन डू दिस। और देखिए, ऑस्ट्रेलियन पोइट्री स्लैम चल रहा था, तो बस देखा कि कहाँ पर हो रहा है और वीकेंड पर वहाँ चली गई। अब वहाँ पहुँची तो उन्होंने कहा कि सॉरी, वी ओनली एक्सेप्ट 10 परफॉर्मर्स फॉर ईच राउंड, और आज के 10 हो चुके, बट देर विल बी वन परफॉर्मर हुज नेम वी विल पुल आउट ऑफ अ हैट। तो अब सोचा कि कॉल मिल चुकी है तो थोड़ी देर होल्ड पे भी रह लेते हैं। योर कॉल हैज़ बिन पुट ऑन होल्ड। तो मैंने अपना नाम उस चिट पे रख के टोपी में डाल दिया, एंड लो एंड बिहोल्ड माई नेम गॉट कॉल्ड आउट। मेरी कॉलिंग एक्चुअली मैं कॉलर ट्यून बन गई, और उस कविता में सब कुछ डाल दिया, बेचैनी, आक्रोश, सब कुछ, जो कुछ था अंदर, जो कुछ उबल रहा था, एंड आई एक्चुअली वन इट। लेकिन ये मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग ना बहुत ही डैश चीज है, वो आपको विश्वास दिलाती ही नहीं है कि आप इस चीज़ को एज अ करियर भी कर सकते हैं। भगवान ने लिटरली मुझे मिस्ड कॉल दी थी, लेकिन मैं कही थी यार करियर तो नहीं बन सकता ना, ये करियर तो नहीं है ना, साइड में कर लेते हैं, बिल्कुल अपनी मम्मी जैसी बातें। उसके बाद बेचैनी फिर भी बरकरार थी, और लग रहा था कि मुझे इंडिया वापस आना चाहिए। सब लोग कहने लगे, तुम इंडिया के बारे में इतनी बातें करती हो, तुम बार बार कहती हो तुम्हें इंडिया जाना है, इंडिया जाना है, इंडिया जाना है। तो वहाँ पे सब कुछ छोड़कर, शादी, घर, नौकरी, गाड़ियाँ, सब कुछ छोड़कर मैं इंडिया आ गई, और सोचा कि शायद ये मेरी बेचैनी का आंसर होगा। इंडिया आई लेकिन उसी मिडिल क्लास फिलॉसफी के साथ कि पोइट्री करेंगे साइड में, लेकिन और भी तो चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो टीवी किया, एड्स किए, डिजिटल प्रोजेक्ट्स उठाए वगैरह वगैरह, और साइड में पोइट्री करने लगी। और मुझे लगता है जो चीज़ें आप किसी भी रीज़न से नहीं करते ना, सिर्फ प्रेम के भाव से करते हैं, वही चीज़ें अंत में जाकर आपको प्रेम करती हैं। और मेरा और पोइट्री का यही सफ़र रहा है। पहली और दूसरी पोएम बहुत पॉपुलर हो गई, वायरल हो गई, और धीरे धीरे सिर्फ पेट नहीं भरने लगी, रूह भी भरने लगी। आज इस चीज़ को ऑलमोस्ट 6 साल हो चुके हैं, और अब यही मेरा काम है। मैं हूँ प्रिया मलिक, मैं कविताएं लिखती हूँ, सुनाती हूँ, पढ़ती हूँ। अपनी कॉलिंग को 30 साल बाद फाइनली मैंने जवाब दिया, और आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ
आप किसी भी सिचुएशन में हो, किस उम्र के किसी भी पड़ाव में हो, लेकिन अगर बेचैनी बरकरार है और आपके अंदर एक कलाकार है, तो आपको अंत में स्टेज पर आना ही पड़ेगा।